कोरोना वायरस में लॉकडाउन के दौरान अपने साथी से शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो उठता तो कई लोगों के मन में है पर पूछने में हिचकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन NBT ने इस संबंध में संचारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात की ताकि लोगों का भ्रम दूर किया जा सके। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों घर पर ही रहते हैं तो वे सामान्य दिनों की तरह संबंध बना सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर जाता है तो शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि कपल्स घर में सुरक्षित हैं, घर से बाहर आना जाना नहीं है, एक ही पर्यावरण में रह रहे हैं, ऐसे में वे अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। कोई एक या दोनों बाहर जाते हैं तो संशय के दायरे में रहेंगे, ऐसे में संबंध बनाने से बचना चाहिए। फिजिकल रिलेशन को लेकर गाइडलाइंस नहीं जारी हुई हैं। बतौर डॉक्टर सलाह ये है कि यदि बच्चे का सोच रहे हैं तो इस समय तक इस फेज में थोड़ा रुक जाना चाहिए और फेज को नॉर्मल होने तक इंतजार करना चाहिए। दिल्ली के मेदांता अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर विवेकांशु वर्मा का कहना है कि इन दिनों नए लोगों से संबंध ना बनाएं। जरूरी नहीं है कि जब आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में हों तब आपको उसमें संक्रमण के लक्षण दिखें। ऐसे लोग एसिम्प्टोमेटिक कहलाते हैं, जो वायरस तो कैरी करते हैं पर उनमें सिम्टम नहीं दिखते। यदि आपने किसी बाहरी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाए हैं या किस भी किया है तो 14 दिन आइसोलेट रहें। इस दौरान लक्षण नजर आते हैं तो हेल्पलाइन के साथ उस व्यक्ति को भी जरूर सूचित करें। जब कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर आ भी जाता है तो भी उसे अलग कमरे में 14 दिन तक क्वारंटीन रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में शारीरिक संबंध बनाना कतई भी सुरक्षित नहीं है। यदि दोनों पार्टनर में से किसी की भी कोरोना हिस्ट्री नहीं है, वह घर में ही रह रहे हैं, तो संबंध बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग एक दूसरे के साथ अपने घर में सुरक्षा बरतते हुए शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो अभी उनको कुछ दिनों का इंतज़ार करना चाहिए।